से लगभग एक घंटा देरी से मैं आप लोगों के बीच में पहुंच पाया। आप लोगों ने इतनी सहजता से इस एक घंटे तक इंतजार किया, मैं आप सबका ऋणी होकर के कृतज्ञ भाव से आपका अभिनंदन करता हूं। मित्रों, जलंधर में उपचुनाव होने वाले, सवा साल पहले पंजाब की जनता ने जिस अपेक्षा के साथ में, जिस आकांक्षा के साथ में और जिस बदलाव की चाहत में यहां पंजाब में एक तरफा छप्पर फाड़ करके मतदान करते हुए ऐतिहासिक बहुमत के साथ में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई, लेकिन पिछले सवा साल में जिस तरह से पंजाब की जनता का हर एक वर्ग, चाहे वो महिला है, चाहे युवा है, चाहे बेरोजगार है, गरीब है, किसान है, हर वर्ग संवर्ग अपने आप को हमारे साथ धोखा हुआ है ऐसा महसूस करता है। किसी इतनी बड़ी मेजोरिटी के साथ में चुनी हुई सरकार के चयन के 3 महीने बाद और मुख्यमंत्री द्वारा खाली की गई सीट पर होने वाले चुनाव में पार्टी बुरी तरह से हार जाए, यह आजाद भारत के इतिहास में एकमात्र उदाहरण है। लॉर्ड ऑर्डर की सिचुएशन में, लॉर्ड ऑर्डर के वर्टिकल पर जिस तरह की सिचुएशन पंजाब में बनी है और पंजाब जिस तरह से माफिया राज के हवाले हुआ, जिन ड्रग की जिन चर्चा और चिंता दोनों ही अरविंद केजरीवाल साहब, भगवंत मान जी दोनों बार बार इलेक्शन के समय में कर रहे थे, उस ड्रग और माफिया राज के जो है कई गुना उनकी क्षमता और ताकत में वृद्धि पंजाब में हुई है। पंजाब की जनता आज अपने आप को ठगा हुआ ऐसा महसूस कर रही है। आम आदमी पार्टी, जो पार्टी अपने आप को पार्टी विद डिफरेंस, हम आम लोगों की पार्टी है, हम आम लोगों की तरह रहेंगे, सरकार की गाड़ी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सरकार के मकान का इस्तेमाल नहीं करेंगे। उदाहरण आ रहे हैं आप सबके सामने, दिल्ली में भी, पंजाब का दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी की सरकार के 2 वरिष्ठ मंत्री जेल में, और अभी हाल ही में जिस तरह का खुलासा हुआ है, अपने आप को आम आदमी का प्रतिनिधि कहने वाले अरविंद केजरीवाल साहब का जो शाही शीश महल, जिसके पिक्चर सब देश के सामने आए, करोड़ों रुपए की लागत से अनधिकृत रूप से, सामान्य आदमी अगर दिल्ली में एक दीवार भी बनाए तो शायद उसको कितनी तरह की परमिशंस लेनी पड़ती है, अनधिकृत रूप से तोड़ करके पूरा शीश महल बना दिया गया, लाखों रुपए के तो दोनों पर्दे जो है उस घर में लगे, घर के जिम में जो इक्विपमेंट्स लगे हैं वो इक्विपमेंट्स किराए पर लिए गए, और जिस फर्म से किराए पर लिए गए वो फर्म केजरीवाल साहब के परिवार के सदस्यों की है, लाखों रुपए का भुगतान जो है जनता की गाड़ी कमाई का इस तरह से भ्रष्टाचार के रास्ते से अर्जित किए गए धन, और पंजाब को जिस तरह से उन्होंने दूध देने वाली भैंस की तरह निचोड़ना शुरू किया है, यहाँ भ्रष्टाचार से अर्जित धन को गुजरात में, हिमाचल प्रदेश में, राजस्थान में, अन्य प्रांतों में, उत्तर प्रदेश में, अन्य प्रांतों में चुनाव के माध्यम से अपनी पार्टी की ताकत को बढ़ाने के लिए उपयोग कर रहे हैं। जो आम आदमी अपने आप का लवादा ओढ़ करके आए थे वो आजकल चार्टर्ड प्लेन से नीचे उतरने के लिए विश्वास नहीं रखते। ये जो परिस्थिति बनी है इसको पंजाब की जनता समझने लगी, और जो धोखा पंजाब की जनता के साथ में हुआ था उस धोखे को समझ करके अब पंजाब की जनता ने मानस बना लिया कि अब की बार इस जलंधर के उपचुनाव में संगरूर की तरह एक बार फिर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को पूर्णतः नकार दिया। मित्रों, वैसे भी
मैं जलंधर के उपचुनाव को पंजाब के लोगों के पास में आए हुए एक अद्भुत अवसर की तरह देखता हूं। इस अवसर के माध्यम से वो पंजाब की इस गूंगी बहरी और जबरदस्ती आंखें मूंद करके वो सोई हुई सरकार के मुंह पर एक चपेट लगा करके इसको उठाने के लिए, इसको जगाने के लिए इस अपॉर्चुनिटी का उपयोग कर सकते हैं। मैं आपके माध्यम से जलंधर के सभी मतदाताओं से आग्रह करना चाहता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में मतदान का प्रयोग करके अपनी भावनाओं का इजहार करें। भावनाओं का इजहार जो आप चौराहे पर करते हैं, जो घर में बैठ करके करते हैं, आपसी बातचीत में करते हैं, वो भावनाएं मत के रूप में अभिव्यक्त हो, ताकि इस तरह की दोगली सरकार, दो मुंह की सरकार, खाने और दिखाने के अलग अलग तरह के दांत रखने वाली सरकार जो है, उसकी हकीकत का पर्दाफाश जो हुआ है उसका प्रतिकार हो सके और इनको उसका प्रतिफल मिल सके। भारतीय जनता पार्टी, हम सब जानते हैं कि पिछले चुनाव में 1.5 साल पहले ही पहली बार पूरे प्रांत में अपनी क्षमता पर, अपनी ताकत पर, अपने नेतृत्व में चुनाव लड़ी थी। उस आंधी में जहां सभी दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज का वोट शेयर बुरी तरह से गिरा था, भारतीय जनता पार्टी ने उस समय भी अपने वोट शेयर में वृद्धि ऐसी दर्शित की थी। बेशक हम 2 सीट ही जीत पाए, लेकिन सदन से लेकर के सड़क तक पिछले 1.5 साल में अगर किसी पार्टी ने विपक्षी भूमिका को निर्वहन किया है, तो मैं जिम्मेदारी के साथ में कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने किया। उसके चलते भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता का व्याप और जिस तरह से पंजाब के लोगों का प्यार और जलंधर के लोगों का प्यार हमें इस चुनाव के समय मिल रहा है, जलंधर के इस उपचुनाव में 2024 के जनरल इलेक्शन में और 2027 के विधानसभा चुनाव में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक परिणामों के साथ में पंजाब की जनता के आशीर्वाद से सरकार में, सत्ता में आएगी, ऐसा मुझे आज को देख करके भरोसा लगता है। जिस तरह से चुनाव में इतने विपरीत परिणाम आने के बावजूद भी, केवल 2 सदस्य जीतने के बावजूद भी, सभी राजनीतिक दलों से टूट करके लोगों का भारतीय जनता पार्टी में आने की जो श्रृंखला है, जो निरंतर चल रही है, ये श्रृंखला इस बात की द्योतक है, इस बात की परिचायक है कि भारतीय जनता पार्टी को एकमात्र बचे हुए विकल्प के रूप में जनता, जनप्रतिनिधि और राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग देख रहे हैं। आप सबका बहुत सारा धन्यवाद, बहुत सारा अभिनंदन। लोगों की अकाली दल से जो लेकर गई थी वो समाप्त हो गई। आम आदमी पार्टी कह रही है हमने बहुत काम कर दिए, इतनी सरकारी नौकरियां दे दी हैं, 2,800 रुपये भी दी है, इसके अलावा इतनी बिजली फ्री दे दी है, 80% लोगों के बिल खत्म हो गए, तो इसलिए हमारा जितना तो तय है, किसानों के कर्ज माफ कर दिए। मुझे लगता है कि आपको धरातल पर जाकर के एक बार लोगों से चर्चा करनी चाहिए। जिस तरह की घोषणाएं की गई, 1,000 रुपए प्रति महिला को देंगे, 1,000 रुपए जो है उसके अतिरिक्त हम सलामती का शासन देंगे, शांति और सुख शांति, चैन अमन चैन का शासन कायम करेंगे। लोग आज उसको लेकर के इतने गुस्से में, इतने नाराजगी में कि उसका इजहार गाये बगाये सड़कों पर, सब जगह पर माननीय मुख्यमंत्री को और सरकार के सभी प्रतिनिधियों को देखना पड़ता है। आपके और सोशल मीडिया के सारे हैंडल्स में उठा करके पिछले 3 महीने में देखिए, इसका जवाब अपने आप आपको मिल जाएगा। उनके माननीय उप मुख्यमंत्री और एक्साइज मिनिस्टर जो है वो अभी हवालात के शिक्षकों के पीछे है। बीजेपी हमें काम नहीं करने देना चाहती, 92 सीट की मेजोरिटी उनके पास में है, सरकार की ज्यादा ताकत उनके पास में, फिर भी बीजेपी उनको रोक रही है, तो इसका मतलब ये तय हो गया। और आपकी बात इस बात पर मोहर लगाती है कि भारतीय जनता पार्टी पंजाब के 4 करोड़ लोगों के हितों के संघर्ष के लिए इनको गलत काम न हो, पंजाब के हितों को ये साथ ये समझौता न कर सके
उसके लिए उनको सदन से लेकर के सदन तक हर जगह तक घेरने का काम करते चलिए। शेखावत जी, हाँ जी, जलंधर में जो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार है सुशील रिंकू, क्या आप उन्हें जानते हैं, पहले मिले हुए हैं? देखिए मैं तो इतना ही जानता हूँ जितना मैंने उनको सोशल मीडिया से देखा है, क्योंकि शहर में चर्चा है कि दो साल पहले आपकी मुलाकात हुई थी, वो चाहते थे कि वो भाजपा में आए और जब जलंधर में लोकसभा चुनाव होंगे तो वो भाजपा की सीट पर लड़ेंगे। केवल दो साल में उससे थोड़े दिन पहले तक भी वो इस लाइन में खड़े थे, जब मैंने नकार दिया तब जाकर के कुपल है आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट होंगे। मतलब आपसे कॉन्टेक्ट किया था उन्होंने बहुत बार, तो डिमांड क्या थी इनकी लोकसभा चुनाव? आप छोड़ दीजिए उसको, बात जो विषय समाप्त हो गया उसमें चर्चा करने की वजह रहता है कि अब प्रासंगिकता खत्म हो गई है। लेकिन वही रिंकू जिनका वीडियो मैं पिछले इतने दिन से देख रहा हूँ कि वो एक महीने पहले तो भाषण दे रहे थे कि अब की बार जब आम आदमी बहनों को उनको कहना चाहिए कि जो हमारा 12 महीने का 12,000 रुपए इकट्ठा हो गया पहले वो लेकर के आओ उसके बाद में वोट देना। अब मुझे लगता है कि पहले वो जाए तो उनको इस बात का जवाब साथ लेकर के जाना चाहिए, वो 12,000 लेकर के जाना चाहिए, उसके बाद में बाकी उनका नैतिक अधिकार ही समाप्त हो गया। आपने नकारा क्यों? हाँ सुना शेखावत जी, आपकी पार्टी जो है फ्री पानी और फ्री जो रेवड़ी बांट रही है उसके खिलाफ आप बात कर रहे हो, आलोचना कर रहे हो, कर्नाटक में आपने लोगों का यही वादा किया है, फ्री बिजली का वादा किया है, यूनियन का वादा किया और कैसे महिलाओं को देने का वादा किया। एक ना तुम ऑडियो सी सुनानी है, ऑडियो सुन लो तो फिर किस महानुभाव की ऑडियो भी दसांगे, पर पंजाब दे आम आदमी पार्टी के नेतावां दी की हैसियत है दिल्ली दे आकाना दे सामने उदी भी चर्चा करांगे। कोई या ऑडियो सुन लो थोड़ी ध्यान। पंजाब के वित्त मंत्री चीमा साहब नु कह रहे ने दिल्ली तो आए नेता आम आदमी पार्टी दे कि तुहानू बहुत कुछ दिता है, जे तुहाडे 10 मिंट हार गए तो तुहानू बख्शांगे नहीं। एक मिनिस्टर जो लोगों का जीत के आया होया है, अनुसूचित जाति वर्ग नाल संबंध रखते ने, उन्होंने किस प्रकार कार्यकर्ताओं च धमकाया जा रहा है कि तुहानू बख्शांगे नहीं जे तुसीं हार गए 10 मिंट। संदीप पाठक जी जो कांग्रेस के एमपी ने, सो इस बारे में शेखावत जी कुछ आम आदमी पार्टी का है, कांग्रेस ये पंजाब के सूबे ने तो सर अब आप कांग्रेस चाहे अंग्रेज की सरकार हो या मुगलों का दमनकारी शासन इस हिंदुस्तान में चला हो, इस पंजाब सूबे के वीरों ने पंजाब की जनता ने कभी उनकी चौधराहट सहन नहीं की थी, बर्दाश्त नहीं की थी। ये पहली बार हुआ है कि पंजाब की सरकार को दिल्ली में बैठे हुए लोग रबर की तरह चल रहे, पंजाब की जनता का अपमान जिस तरह से हो रहा है, चुने हुए जनप्रतिनिधियों का अपमान जिस तरह से हो रहा है, ये उसका परिचय है। मेरी मर्जी है यार, मेरी पार्टी में किसको लाना है किसको नहीं लाना है ये भी मेजर आप तय कर, आपको जवाब देना पड़ेगा, वो भी मेरी स्केल पर देखूंगा मैं, वो आपके साथ में साझा थोड़ी करूंगा यार। चलिए अब जिनको ज्वाइन कराना है उनके बारे में बात कर लें। एक मिनट, हाँ जलंधर के बीच आ रहे हैं इंडिपेंडेंट तौर पे, वो अपना प्रचार कर रहे हैं, इंसाफ की मांग कर रहे हैं, निश्चित रूप से उनको करना चाहिए। और सिद्धू मूसेवाला के केस में अब तक जितनी भी सफलता मिली और जितनी भी कार्रवाई हुई है वो सब भारत सरकार की एजेंसी ने की है और उनके कारण से हो पाई। बाकी अगर पंजाब पुलिस के भरोसे और पंजाब की सरकार के भरोसे छोड़ दिया जाता तो शायद ये सिद्धू मूसेवाला
के बाद में अब तक नई कई सारी जो है स्टोरीज इसके बाद में कई सारे नए कथानक उसके बाद में भी लिख दिए जाते हैं।